ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार को इंदौर सहित पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हालांकि इस हड़ताल में बैंक अधिकारी शामिल नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद कामकाज प्रभावित होता रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार को इंदौर सहित पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने मंच लगाकर सरकार की नीतियों के विरोध में माहौल खड़ा करने का प्रयास किया। हालांकि इस हड़ताल में बैंक अधिकारी शामिल नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद कामकाज प्रभावित होता रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के दौरान बैंक तो खुले रहे, लेकिन कामकाज नहीं हुआ। बैंक कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर साठा बाजार में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध स्वरूप रैली निकालकर अपनी नाराजगी जताई। इंदौर के जिले में विविध बैंकों की 400 से अधिक शाखाएं हैं। इस हड़ताल में सरकारी निजी दोनों बैंकों के कर्मचारी शामिल हुए। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र द्वारा बैंक को हो रहे विलय के विरोध में हड़ताल की गई। एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार तर्कहीन विलय कर रही है और जनविरोधी पैन के नीतियां बना रही है। हमें भी लगता है और इस देश की वो सरकार जिसको के 320 से अधिक का मेजोरिटी देके आपने जताया, उनको भी मालूम है कि जनता परेशान होती है। उसके बावजूद भी समस्याओं का हल नहीं दिया जाता, बल्कि लोगों को परेशान किया जाता है। बैंक कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। हमारा अपना वेतन समझौता भी पिछले 7 साल से लंबित है। बैंक कर्मचारियों ने साठा बाजार से रैली निकालकर बोहरा बाजार, सराफा बाजार, बर्तन बाजार आदि से होते हुए वापस साठा बाजार पर रैली खत्म की। इस दौरान बैंक कर्मी सरकार के निर्णय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते सुनाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।